देसी पालक पनीर बन रहा है। यहाँ टमाटर कटा हुआ है, प्याज है और ये घी है, घी में भूंज रहे हैं और घी मेरा थोड़ा गर्म हो गया है। फ्राई करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, आज जो है पालक पनीर बन रहा है। देखिए किस तरह से बनता है, ऐसे बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो ब्राउन कलर हो गया है मेरा पनीर, अब मैं इसको निकाल के इस बर्तन में रखूंगा जो मैंने पहले से पानी में नमक डाल दिए थे, जो कि मेरा पनीर इसमें नमक को छान ले तो काफी अच्छा लगता है खाने में। इधर दिखाऊंगी हमारे दर्शकों को जो बना रहे हैं पालक पनीर का सब्जी है, जो काफी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो पालक पनीर वाला जो है प्याज को ब्राउन कलर कर दिए हैं। अब इसमें जो है मसाला वसाला क्या बन रहा भाई? पालक पनीर बन रहा है। इसको कितना देर तक भूंजिएगा? 5-2 मिनट तक भूंजिएगा और उसके बाद रोटी डालेंगे। यानी कि प्याज को एकदम पूरा ब्राउन कलर करोगे। देखिए थोड़ा हो गया है, 2 मिनट और लगेगा क्योंकि प्याज ब्राउन कलर हो जाता है तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। इधर मशरूम है फ्राई किया हुआ, ये भी डालेंगे। पालक पनीर मशरूम का सब्जी जो दोस्तों है बहुत टेस्टी। देखिए दाल हो गया है, 2 मिनट लगेगा इसमें। यह देखिए पालक पनीर लेने बन रहा है, ये हुआ है पालक है, पालक पिसा हुआ है। अब इसमें देखिए मसाला डलाएगा, बनेगा पालक पनीर। दोस्तों यहाँ देखिए मसाला जो है बढ़ गया है। अब इसमें क्या डालें भाई? हल्दी, हल्दी पाउडर डाल दो, हल्दी डलाएगा, नमक डलाएगा दो हल्दी भाई। देखिए भाई इसमें हल्दी डाल रहे हैं, कितना डालेंगे? थोड़ा सा डालेंगे, डाल दो। देखिए इतना हल्दी डाले हैं, देखिए नमक भी डालेंगे।
फिर उसको हल्दी पड़ गया है, ये जो मेरा मसाला है वो फ्राई हो गया है। देखिए भाई इसमें हम ये क्या डालेंगे, टमाटर डालेंगे। देखिए इसमें हम टमाटर डाल दिए, डाल दिया तो ये मरमाजी हो जाता है, भून जा जाएगा। देखिए इसमें भी नमक डालेंगे थोड़ा, आप नहीं बोलेगा आगे चाय बने के रे खाली हमारा भी भाव कर तुम्हारा है आपका। इसमें फ्राई हो गया है, अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए इसे अब ढाक दिए हैं, अब इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए टमाटर जो है कि गल गया है, मसाला बिल्कुल तरह से एकदम फ्राई हो गया है। अब इसमें जो है ये जो मेरा पालक पिसा हुआ है वो पड़ेगा। कितने तारीख तक भूंजेगा? 2-3 मिनट भूंजेंगे इसको। पालक को कितने तारीख तक भूंजेगा? 2-3 मिनट भूंजेंगे। देखिए भाई भुजा रहा है, पालक पिसा हुआ, पिसा हुआ 3-4 मिनट में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। रुको देखिए, ये हो गया है 2-3 मिनट भुजा लिया है, दूध का काम हो जाएगा। देखिए भुजा रहा है, और इसमें ही मसरूम डलाएगा। क्या है मशरूम? मशरूम है। हाँ मशरूम डलाएगा, मशरूम देखिए डला दिया है, और इससे इस घाट में है इसी के ही जूम रख में फ्राई कर देंगे। और देखिए ये यहाँ पर भुंजा रहा है, मशरूम डाल दिए हैं, इसमें जो है पनीर पड़ गया है, पनीर पड़ गया है। कितना देर तक भूंजेगा? 2-3 मिनट तक भूंजेंगे। इसके बाद भाई इसमें पानी डाल रहे हैं, पालक वाला है। हाँ पालक वाला पानी है। देखिए ये जो है 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखिए इसमें आप पानी डाल रहे हैं, और देखिए पालक पानी अलग से दे रहे हैं कि ये पालक जो ही उबाले उसका पानी है? उसके पानी अलग से, पालक वाला पानी है। जो दोस्तों ये देख रहे हैं जो पालक का पानी है, जो भैया बड़े भाई साहब ने उबाले थे उसी का है।
इस कुकर में क्या बन रहा है भाई? इस कुकर में दाल बन रहा है। कौन चीज का दाल? हाँ, मछली के दाल। आज सबको मछली के दाल भाई खाइए करता है। कुकर में दाल को सिखाना, ऐसे नहीं सिखाना। देखिए ये हो रहा है। और ये ज्यादा देर तक नहीं भुंजाया, देखिए कैसे खड़क रहा है। कितना देर तक हो जाएगा ये? देखिए दोस्तों, ये जो है पालक पनीर बन के तैयार हो गया है मेरा रेसिपी। अब इसको गैस में ऑफ करता हूँ।